जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, और गंगा पुष्णी के जिला अस्पताल से हमारे पास फ़ोन आया था किसी राहगीर के साथ जो वो डिप्सा में बड़ा अस्पताल बन रहा है उसके कर्मचारी के साथ में मारपीट की गई है। और फोन आया था हमारे पास में जिला अस्पताल से, और वो जिला अस्पताल में भर्ती बताया। और दर्शकों देख रहे हैं, ये व्यक्ति है जो कि डिप्सा रोड पर जो अस्पताल बन रहा है सरकारी बड़ा अस्पताल, उस पर काम करते हैं। और इनके साथ में दो बाइक सवारों ने मारपीट की है, और क्या मामला है इनसे जानेंगे। और बाकी इनके सर में चोट मारी गई है। और गंगा पुष्णी के जिला अस्पताल में इनका चल रहा है इलाज। ये क्या नाम है आपका? राजू साक्य। कहाँ के रहने वाले हो? एमपी से, मुरैना जिला से, जोरा तहसील। ये चोट कैसे लगी आपके? क्या है, बाजार से जा रहे थे बाइक से, सब्जी लेके, तो अचानक वो दो व्यक्ति ने बाइक रुकवा के पूछा कि भाई एड्रेस बताओ इधर का, तो एड्रेस के नाम पे उन्होंने हमसे बाइक रुकवाई, और रुकते ही उन्होंने अचानक हमला किया था। कहाँ की घटना है? ये डिप्सा रोड की घटना है। डिप्सा रोड की घटना है। कहाँ जा रहे थे आप? जो साइड पे जा रहे थे अपने जिला हॉस्पिटल का जो कार्य चल रहा है ना। अच्छा, जिला हॉस्पिटल में जो काम चल रहा है डिप्सा में, उसमें काम करते हो? जी जी, वहाँ पे कंपनी की तरफ से सुपरवाइजर है। कंपनी की तरफ से सुपरवाइजर का काम करते हैं। क्या नाम अपना? राजू साकिया। राजू साकिया जी, LNA कंपनी। और ये काई की चोट मारी है आपके? ये डंडे से चोट मारी है। कितने लोग थे वो? दो लोग काई पाए थे बाइक से, प्लेटिना बाइक थी। प्लेटिना बाइक? और कोई नंबर उससे? नहीं, नंबर वगैरह तो कोई ऐसा याद नहीं रहा अपन को। प्लेटिना का एकदम अचानक से वो चोट मारते रहे, वो गिर गया, मैं गिरने के बाद भी चोट मारते रहे। और देख रहे हैं लहूलुहान हो गए। वो किसने भर्ती कराया था आपको? वो भर्ती तो हमारा साथ का स्टाफ था, उनको मालूम पड़ा था, फ़ोन किया था, वो लोग आ गए थे, वो लेके नहीं मेरे को जिला हॉस्पिटल लेके आए जिसमें फिलहाल गंगा पुष्णी के जिला अस्पताल में दर्शकों ये भर्ती हैं। और जिला जो अस्पताल बन रहा है डिप्सा में, उनके ये मैनेजर हैं कंपनी की तरफ से, और वहाँ पर जा रहे थे कर्मचारियों को मैस का सब्जी लेकर। जी 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 सर। और फिलहाल गंगा पुष्णी के जिला अस्पताल में इनका चल रहा है इलाज।